मार्केट ओपनिंग के साथ ही वक्त हुआ है अब आपकी स्ट्रैटेजीज बनाने का बोनांजा पोर्टफोलियो से जतिन त्रिवेदी और पैराडाइम कमोडिटीज के बिरेन वकील आपकी मदद करने यहां पर जुट चुके हैं। चलिए जेंटलमैन गुड मॉर्निंग जतिन, आपसे शुरुआत करेंगे। कच्चा तेल फिसलता चला जा रहा है, क्या आपको आज के सेशन में 4850 और फाइनली 4800 भी नीचे टूटता दिख रहा है, क्या किया जाए कच्चे तेल नेचुरल गैस में? वेरी गुड मॉर्निंग भैया। देखिए कच्चे तेल की जैसे हम बात करें तो कच्चा तेल पिछले एक हफ्ते से सारी गिरावट के साथ ट्रेड करता आ रहा है, नीचे ही हम लोग ट्रेड देखते आ रहे हैं, कंटिन्यूसली वीकनेस चल रही है उसके अंदर। कल जहाँ पे इन्वेंट्रीज के नंबर्स की बात करें तो फिर से अनुमान के सामने हमने देखा है कि भंडार जो है फिर से बढ़कर आए हैं, तो इसी वजह से हमने देखा है कि फिर से गिरावट दिखी गई कल भी, और आज स्ट्रांगली एक गैप डाउन ओपनिंग में मिली है। और ग्लोबल जो ऑयल डिमांड के संकेत जो है वहाँ उसको लेकर ग्रोथ को लेकर फियर रह सकता है आगे जाते हुए, जहाँ पे डिमांड सप्लाई जो है वो वहाँ पे इम्बैलेंस हो सकता है, फिर से डिमांड जो शायद कम हो सकती है, सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर चालू है कच्चे तेल के अंदर, तो हमारा यही मानना है क्रूड ऑयल के अंदर सेलॉन राइस की रणनीति रखनी चाहिए। 4900 के लेवल्स हमें रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, अभी आगे चलते हुए 4900 के लेवल्स जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करते आएंगे, तो 4900 के पास हम सेल की सलाह देंगे। ठीक है। नीचे में जो है वो 4800 के लेवल जैसे आपने बताया वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो वहाँ पे वो जरूर टेस्ट करने आ सकता है। ऊपर में सेफ साइड के लिए 4970 के स्टॉप लॉस पे सेल की सलाह रहेगी। तो शॉर्ट्स करके होगी कमाई, बुलियन में क्या किया जाए? सोने चांदी में आज मजबूत शुरुआत हुई है, कमजोर रुपए और इंटरनेशनल मार्केट में वीक डॉलर का भी सपोर्ट है, खरीदारी बनती है? जी नहीं, सोने और चांदी की बात करते तो दोनों में गिरावट पर खरीदारी की रणनीति रखनी चाहिए, जहां ग्लोबल इक्विटी मार्केट हम देख रहे हैं भारी वॉलेटिलिटी के साथ गिरावट में दिखी जा रही है, तो उसके सामने बेहतर हेज पोजीशन अगर कोई टूल है तो सोना और चांदी है। साथ ही डॉलर इंडेक्स जो है 97 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन लग रहा है हमें वहाँ पे डॉलर इंडेक्स के अंदर, तो जिसकी वजह से हमें बिलियंस के अंदर एक फायदा मिलते रहेगा, तो यहाँ पे सपोर्ट जोन मिलते रहेगा। तो हमारा ये मानना है कि सोने चांदी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। सिल्वर की अगर बात करें तो 38800 के लेवल्स हमें अच्छे लग रहे हैं, 38800 टू 38900 के लेवल्स है बहुत अच्छे सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे डिमांड जारी रहेगी, तो यहाँ पे एक बाय की सलाह रहेगी। नीचे में 38600 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए, ऊपर में 39300 टू 39500 के लेवल्स जल्दी आ सकते हैं। उसी के साथ में गोल्ड में भी 31700 के लेवल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ऊपर में फिर से 32200 और 32500 के लेवल्स आ सकते हैं। तो डिप्स पे खरीद की रिकमेंडेशन बुलियन में। बिरेन जी गुड मॉर्निंग। सर ये बताइए, कैस्टर लगातार हमारे रेडार पर है, 4 साल के ऊपरी स्तर पर ये कमोडिटी, क्या अभी भी दमखम बाकी है, खरीदारी करेंगे? टेम्पररी या कंसोलिडेशन जोन देखता हूँ, वर्टिकल राइज जो आया है 47 से 54 तक का, तो आज 54 1400 1420 के आसपास करंट लेवल के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूंगा, 5470 का स्टॉप लॉस और डाउन साइड ऑब्जेक्टिव 52-52-50। अच्छा बिरेन जी, हम देख रहे हैं कि अब जीरा है बहुत डिसाइसिवली बहुत तेजी के साथ नहीं चढ़ रहा, जैसे कुछ हफ्तों पहले कुछ सत्रों में हमने इसे एक चढ़ते देखा था, फिर से 20,000 के नीचे है लेकिन चढ़ने की कोशिश कर रहा है, आप कॉन्फिडेंट है खरीदारी के लिए, क्या टारगेट देख रहे हैं इसमें? नहीं, मैं खरीदारी में तो नहीं, पर डिस्पाइट है तो शॉर्ट प्रेफर करूंगा। फिजिकल डिमांड बेहद कमजोर है, फिजिकल डिमांड कमजोर है, कितना गिरते देख रहे हैं? 19550 तक, तो यहाँ पर शॉर्ट्स की सलाह निकल कर आ रही है। लेकिन बेस मेटल्स पर एक नजर डाल लेते हैं, मिली जुली शुरुआत हमने देखी थी और लेड निकल चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बताइए जतिन ना मेटल्स में कहाँ नजर है आज? जी नहीं, मेटल्स की अगर बात करें तो काफी थोड़ा एक रेंज बाउंड वोलेटिलिटी बोल सकते हैं हम लोग, जहाँ पे रेंज बाउंड वोलेटिलिटी चल रही है, जहाँ पे एक दिन ऊपर तो एक दिन नीचे, तो उसी के साथ में हम कॉपर के अंदर हम देख रहे हैं कि लेवल ब्रीच दिख रहा है, आज जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है वो मुझे लग रहा है एक लेवल ब्रीच कर दिया है उसने, 445 का एम स्तर जो है वो, तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी कॉपर के अंदर, तो कॉपर में बिकवाली की सलाह रहेगी, ऊपर है 450 के स्टॉप लॉस के साथ में और नीचे में 442 to 440 के लेवल जल्दी देखने मिल सकते हैं। उसी के साथ में हम एक पैर की ट्रेडिंग की बात करें, जहाँ पे जिंक जो है वो काफी हद तक एक ओवर बॉट जोन में लग रहा है हमें, तो वे जो है वो शॉर्ट बनेगा और लेड जो है वो काफी पिछले दिनों से थोड़ा सपोर्ट लेते आ रहे हैं, 145 के बेस सपोर्ट लग रहा है ना, तो लेड के अंदर बाय और जिंक के अंदर सेल की पैर स्ट्रेटेजी की सलाह रहेगी। और रुपए में क्या रणनीति हो, क्योंकि आज एक कमजोर ओपनिंग देखने को मिली है और 73-35 के पास डॉलर ट्रेड कर रहा है, क्या वीकनेस और बढ़ेगी या फिर आप यूएसडी आईएनआर शॉर्ट करके चलेंगे लेवल्स पे? नया यहाँ पे 73.50 जो एक लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन चुका था पहले, जहाँ पे रुपया में हमने देखा था एक स्ट्रेंथ पकड़ी थी 73.60 के नीचे जब से ट्रेड करना शुरू किया था यूएसडी आईएनआर ने, तो रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा यहाँ पे भी, बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज दोनों की स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, जहाँ पे नीचे में 73.20 73.15 के पास बाइंग की सलाह रहेगी
और ऊपर में 7345 7350 के पास सेलिंग की सलाह रहेगी। 7360-65 के ऊपर फिलहाल हाल फिलहाल नहीं दिख रहा है और नीचे में 73 के भी सपोर्ट लेते रहेगा यूएसडी एनएल। ऑलराइट जतिन बीरेन जी, आप दोनों का ही शुक्रिया समय निकाल कर जुड़ने के लिए और मार्केट ओपनिंग के साथ ही हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कहां कहां कमाई के मौके और किन पॉकेट्स को कहां अवॉइड करके आज चलना है। और वक्त आ गया है कि आपको बताया जाए देश का सबसे ज्यादा बेहतरीन बिल्डर कौन है। आज दिल्ली में सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2017-18 का फाइनल है, जहां देश के चार जोन के विजेताओं के बीच चुना जाएगा वो बिल्डर जिसने आपके सपनों का आशियाना बनाने में सबसे बेहतरीन काम किया है। आज शाम राजधानी दिल्ली में होगी सीएनबीसी आवास रियल एस्टेट अवार्ड की घोषणा, जहां देश के आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी विजेताओं को सम्मानित करेंगे। तो जरूर जुड़िए सीएनबीसी आवास के साथ और देखिए कौन है इस साल के रियल एस्टेट अवार्ड का विजेता। और वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद सौदा आपका की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी प्रदीप पांडे।